इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने 20 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक वीडियो भी अटैच किया गया जिसमें दिख रहे शख्स को लेकर दावा किया गया कि वो हमास चीफ याया सिनवार था। बताया गया कि वीडियो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से ठीक पहले का था। इसे लेकर इसराइल ने रविवार को दावा किया कि फुटेज में याया सिनवार की पत्नी दिख रही है जो $32,000 यानी कि करीब 27 लाख का हैंडबैग लिए हुए हैं। ये वीडियो पिछले साल के 6 अक्टूबर का बताया जा रहा है जिसमें हमास प्रमुख और उसके परिवार वाले गाजा में अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए भागते दिख रहे हैं। इसराइल पर घातक हमलों की साजिश रचने के आरोपी सिनवार को बीते दिनों ही राफा शहर में इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। इसराइल के विदेश मंत्रालय के एक्स हैंडल से पोस्ट करके कहा गया, इस तस्वीर में याया सिनवार की पत्नी को 7 अक्टूबर से एक रात पहले सुरंगों में छिपते हुए देखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि वो $32,000 का हर्मेस बर्किन बैग पकड़े हुए हैं। दूसरी ओर गाजा के आम लोगों ने हमास के चलते कठिनाइयों का सामना किया। सिनवार और उसका परिवार बेशर्मी से विलासिता भरा जीवन जीता रहा है। वो मरने के लिए दूसरों को भेजते रहे। IDF के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाई अजराई ने इस दावे को दोहराया। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, क्या सिनवार की पत्नी 6 अक्टूबर को उसके साथ सुरंग में दाखिल हुई थी? उसके पास एक बर्किंग बैग था जिसके अनुमानित कीमत लगभग $32,000 थी। मैं टिप्पणी आप पर छोड़ूंगा, जबकि गाजा के लोगों के पास तंबू या बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। हम याया सिनवार और उनकी पत्नी के पैसे के प्रति खास लगाव के कई उदाहरण देखते हैं। बता दें, गाजा में पैदा हुई 44 साल की समर एक संपन्न फिलिस्तीनी परिवार से आती है। उसने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से धार्मिक अध्ययन में मास्टर डिग्री हासिल की। उसने 2011 में अपनी शादी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। साल 2011 में कैदियों की अदला बदली में इजरायली जेल से रिहा होने के बाद याया सिनवार ने उससे शादी की थी। समर अबू जकार सिनवार से 18 साल छोटी थी। जानकारी के मुताबिक उनके 3 बच्चे भी हैं। सिनवार बीते 29 अक्टूबर को 62 साल का हुआ था। इसी साल जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में इसराइल ने इस्माइल हनिये की हत्या कर दी थी और इसी के बाद सिनवार को उसकी जगह हमास का लीडर बनाया गया था। अब इजरायली सेना ने सिनवार को भी ढेर कर दिया है। हालांकि सिनवार को लेकर तमाम सवाल अभी भी उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।